इतना लक्षण से मैं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। सुना आपने, देश के वित्त मंत्री कह रही हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती। अब जब देश के वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती तो देश की जनता प्याज का जायका कैसे ले सकती है? मैं इतना लक्षण प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। क्या हुआ अगर प्याज का भाव 150 रुपए तक पहुँच गया? क्या हुआ अगर प्याज खरीदना आपके बजट से बाहर हो गया? क्या हुआ अगर प्याज हर साग सब्जी में इस्तेमाल होता है? क्या हुआ अगर आप ठंड में प्याज की पकौड़ियाँ खाना चाहते हैं? जब खुद देश के वित्त मंत्री तामसिक प्रवृत्ति वाला प्याज और लहसुन नहीं खाती तो आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए वित्त मंत्री प्याज के दाम इतने बढ़ा देंगी कि प्याज खरीदना आपके लिए सोना खरीदने जैसा हो जाएगा। वैसे मिनिस्टर मैडम, आप तो प्याज नहीं खाती, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जितनी शिद्दत से आम जनता का टैक्स खा रहे हैं उतनी ही शिद्दत से वो प्याज भी खाते हैं। तभी तो बीजेपी वाले दूसरी राज्य सरकारों के खिलाफ प्याज के लिए धरना दे रहे हैं। वैसे मैडम, मिनिस्टर ने कहा है कि उनकी सरकार मिस्र से प्याज मंगवा रही है, वही मम्मियों वाला मिस्र। अब आप मिस्र का प्याज खाइए और खुद मम्मी बन जाइए, इस असुरा महंगे सस्ते का टंटा खत्म हो जाएगा। वैसे मैडम कह रही हैं कि प्याज को रेडिएशन के जरिए स्टोर रखने का प्लान ढूंढने के लिए उनके मंत्री भाभा एटॉमिक सेंटर तक की दौड़ लगा रहे हैं। We don't have scientifically advanced methods of storing, and I must appreciate the effort Nitin Gadkari ji, my senior colleague in the cabinet, has made. He even went to the extent of getting the Baba Atomic Research Center to come and tell how through radiation we can remove the moisture content of the onion and be preserved it for a longer shelf life. यानी आप मम्मियों के देश का प्याज खाकर बच गए तो आपको रेडिएशन वाला प्याज खिला देंगे। वैसे मैडम, आपको याद रखना चाहिए, प्याज फैक्टर के कारण ही 1980 में जनता पार्टी की सरकार चुनाव हारी थी। उस वक्त विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी ने बढ़ते प्याज के दाम को चुनावी मुद्दा बना लिया था। और इसी तरह 1998 में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त प्याज की कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो पहुँच गयी थी और अब 120 से 150 हो गयी है। इसलिए मैडम, होशियार हो जाइए या फिर प्याज का सेवन बैन करवा दीजिए। वैसे इससे पहले अर्थव्यवस्था की बदहाली के सवाल पर भी वित्त मंत्री के पसीने छूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। अधीर रंजन जी को एक शब्द याद है, आग लग गई। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।